जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जापानी पीएम ने इससे पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री आज बैठक करने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और अब पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। आपको बता दें कि करीब 27 घंटे बिताने वाले हैं जापान के प्रधानमंत्री भारत में। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक जारी है और कई मुद्दों को लेकर उनकी बातचीत होने वाली है। इस दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इनके बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक के मुद्दों पर बातचीत हो रही है। फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में जो G20 सम्मेलन चल रहे हैं और जापान की अध्यक्षता में G7 की बैठकों की प्राथमिकताओं को लेकर भी बातचीत हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और बैठक इन दोनों की जारी है। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हो रही है, रक्षा, निवेश और तमाम मुद्दों को लेकर जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है उसको लेकर भी, और जापान की अध्यक्षता में होने जा रहे G7 की बैठकों की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी इसको लेकर भी बातचीत इन दोनों नेताओं के बीच हो रही है। दो चुनाव पास हैं और इसको लेकर विपक्षी खेमों में अभी से खींचतान मची हुई है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है तो कोई भी मोदी को निशाना नहीं बना पाएगा। राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसलिए संसद नहीं चलने दे रही है क्योंकि वो चाहती है कि राहुल विपक्ष के सबसे बड़े नेता बने। बीजेपी ही वो पार्टी है जो राहुल गांधी को हीरो बनाना चाहती है और कांग्रेस ही बीजेपी के सामने झुकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, CPM और बीजेपी अल्पसंख्यकों को TMC के खिलाफ भड़का रहे हैं। उधर कोलकाता में समाजवादी पार्टी का 2 दिन का अधिवेशन कल खत्म हो गया। अधिवेशन के बाद NDTV से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने देश के बदतर होते हालात और बीजेपी के सत्ता में होने की वजह कांग्रेस को बताया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की नीतियां सही रहती तो आज देश में बीजेपी की सरकार ना होती। ये जो सवाल आपने खड़ा किया और जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, बीजेपी की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन न दिखाई दे। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, अगर कांग्रेस कमजोर न होती, कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती। और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, CBI, ED, इनकम टैक्स, ये कांग्रेस एक जमाने में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ जांच करती थी, उनके जेल भेजती थी या उनके खिलाफ कार्रवाई करती, उसी रास्ते पे तो आज बीजेपी है। देश हमारा गरीब किसान का है, जो किसान को सुविधा कांग्रेस ने नहीं दी जिसके कारण हमारा किसान बर्बाद हो गया, उसी रास्ते पे तो बीजेपी है आज। तो क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में? तो आदरणीय अगर ममता जी ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक ही कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। कांग्रेस के साथ भी आपने काम किया है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ऑपोजिशन के लिए एक वीकनेस बन गया है? नहीं नहीं, देखिए क्योंकि कई बार समय होता है ऐसा, इस समय कई प्रदेशों में कई जगह पर कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही बीजेपी दिखाई दे रही है। और कई बड़े संकट देश के सामने अगर हम पीछे मुड़कर के देखें तो वो कांग्रेस की वजह से हैं। अगर उस समय कांग्रेस का रास्ता ठीक होता और कांग्रेस के फैसले ठीक होते तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी देश में न दिखाई देती। गुजरात जैसे प्रदेश है जहां से बीजेपी सबसे मजबूत दिखाई देती है, वहां समाजवादी पार्टी नहीं है और दल नहीं है, रीजनल फोर्सेस नहीं है,
आखिर क्या क्या कारण है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे? कांग्रेस को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। देश में अगर बीजेपी हटाना चाहते हैं तो रीजनल फोर्सेस तो हैं जो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? तो राहुल गांधी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनके साथ काम किया हूँ, मुझे कोई सलाह नहीं देनी है। वो इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इतने बड़े लोग हैं, मैं क्या सलाह दे सकता हूँ उस पार्टी को? लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस ने अगर सही रास्ता अपनाया होता तो बीजेपी देश में नहीं होती। अखिलेश यादव के इस बयान पर कांग्रेस नेता हनुमंत राव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस नहीं आएगी बीजेपी का हारना मुश्किल है। जब तक हम बीजेपी को नहीं रोक सकते, एनडीए प्रबल सरकार को नहीं रोक सकते, हम सक्सेस नहीं होते। उनको हटाए तो ही डेमोक्रेसी है, तो इसी वजह से हम बराबर कर रहे हैं। मगर इसका मतलब है रीजनल पार्टी एक ही कर सकता, वो कभी सक्सेस नहीं होता। अगर कांग्रेस अपोजिशन फ्रंट तैयार हुआ तो उसमें सक्सेस होने का चांस है। अभी भी सोचिए, विदाउट कांग्रेस कोई फ्रंट सक्सेस नहीं होता, बोल के मेरा ओपिनियन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं किसान महापंचायत की। दिल्ली में आज एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इस महापंचायत में लाखों किसान इकट्ठा हो रहे हैं। नेताओं के मुताबिक सरकार का कॉरपोरेट समर्थक विकास किसानों की आय को कम कर रहा है और कॉरपोरेट के फायदे के लिए खेत, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को छीना जा रहा है। किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है ताकि आने जाने वाले लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। कई मार्ग बंद भी कर दिए गए हैं। तो किसान लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा जंतर मंतर पर किसानों ने प्रदर्शन किया था और किसानों की क्या मांगे हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले, ये मांग किसान रख रहे हैं। सभी किसानों के लिए कर्ज मुक्ति का ऐलान कर दिया जाए, साथ ही खाद और फसल की लागत की कीमतों में कमी की मांग किसान कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केसेस हुए थे उन्हें वापस लिया जाए, ये मांग भी है किसानों की। साथ ही वो ये मांग कर रहे हैं कि कृषि के लिए मुफ्त बिजली दी जाए और ग्रामीण परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले। ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर किसान जुटे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमें दे रहे हैं। इस वक्त हम रामलीला मैदान में हैं जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है और किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चल रही है। और देखिए इस तरीके से ये किसान जो है अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रामलीला मैदान का ये ग्राउंड है जो आप में देख पा रहे होंगे और यहाँ पर किसानों की मौजूदगी आपको सीधे तौर पर नजर आ रही होगी, जो आवाज और नारे बुलंद करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे मंच से। देखिए कुछ देर में उद्बोधन का दौर भी चलना शुरू होगा। बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर, दर्शनपाल सिंह हैं, राकेश टिकैत हैं, मेधा पाटीकर आई हैं, तो बहुत सारे नेताओं की कोई कमी नहीं है। अपनी मांगों को लेकर इनको आना पड़ा है और खासतौर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मांग है वो सबसे अहम है। और इस तरीके से झंडे, बैनर, पोस्टर लिए लगातार किसानों के आने का सिलसिला जो है देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर चल रहा है। और इसी के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने ये माना है कि करीब 15 से 20 हजार किसान जो है यहाँ पर रैली में शामिल हो सकते हैं। ट्रैफिक को लेकर दिक्कत हो सकती है सड़कों पर, तो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी हो, आरएएफ की मौजूदगी हो, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी हो, तो तमाम जो संख्या बल है उसको बढ़ाया गया है। साथ में कुछ डाइवर्जन की भी बात कही गई है जो आसपास के यहाँ पर रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और बाकी जगहों से जो किसान आ रहे होंगे तो उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि लोग अगर घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकल रहे हों तो समय लेकर हाथ में निकले, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग जो है वो ज्यादा करें, क्योंकि एक बार फिर से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और बहुत सारी मांगे हैं जिसमें एमएसपी का मुद्दा जो है वो सबसे अहम है। और इस तरीके से आप मौजूदगी देख रहे हैं, लगातार जो है वो अभी भी किसानों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कल रात से ही यहाँ पर आने शुरू हो गए थे किसान और इस तरीके से जमावड़ा जो है रामलीला मैदान में आपको नजर आएगा, जहाँ पर अपनी मांगों को रखा जाएगा और सीधे तौर पर सरकार से एक तरीके से गुजारिश, आर पार की लड़ाई की बात कि अगर इस बार मुद्दा नहीं मारा गया तो इस आंदोलन को और तेज करने की बात है। और यहाँ पर आप संख्या बल से समझ सकते हैं और जिस तरीके से किसान
दिल्ली में डटे रहे एक वक्त पे अलग अलग बॉर्डर्स पे, तो आप देखिए कि एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अलग अलग जगहों से किसान जो है वो रामलीला मैदान पहुंचे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कुछ तो हमारी मांगे जो पिछले आंदोलन में थी वो, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी करना और उसकी खरीद की गारंटी करना। दूसरा हमने बाद में कुछ मांगे जोड़ी है जिसमें है सभी किसानों के सभी किस्म के कर्जे के ऊपर मुक्ति करना, कर्जे से उसको एकदम खत्म करना कर्जा। और तीसरा हमने नया जोड़ा है कि सभी किसानों की फसलों की बीमा करना। और चौथा है किसान को 5,000 से लेकर 10,000 रुपए, महिला को भी पुरुष को भी किसान पेंशन देना। और पिछले मुद्दों में बिजली बिल 220 को रद्द करना, अजय मिश्र चैनी को बर्खास्त करना और हमारे ऊपर जो केस लगे थे वो केस पूरे वापस लेना, अभी तक कुछ नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर हमने पहले भी, एक साल हो गया हमें, पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन हम भेज चुके हैं राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को। और अभी भी हम जो ये जो किसान पंचायत करने हैं, याद दिलाने आए हैं सरकार को और सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अगर आप नहीं मानोगे तो ये आंदोलन पूरे देश में, गांव गांव में, गली गली में, बाजार में फैलेगा और आंदोलन देशव्यापी जनता को उभार देगा, एक बगावत जैसी उठ जाएगी देश में जिसका सामना करना सरकार की है। क्या कहेंगे इसमें तमाम जो लोग हैं वो पूरे देश से लोग आपके साथ जुड़ रहे होंगे संयुक्त किसान मोर्चा से? मोटा मोटी तमाम, अभी हमने यहाँ से ऐलान करना है कि हर प्रांत में संगठनों की कन्वेंशन करो, यात्राएं निकालो, पंचायतें करो और संयुक्त किसान मोर्चा की नियमावली 9 सूत्र हमने बना ली है, उस नियमावली के अनुसार पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे का रिकंस्टिट्यूट होगा और संयुक्त किसान मोर्चा बड़े पैमाने पर आंदोलन में और संगठन के रूप में उभरे। और इसके आगे जो है 30 अप्रैल को हमने बैठक रखी है फिर अपनी बड़ी दिल्ली में ही, उस बैठक में नेक्स्ट आंदोलन का आगाज करने के लिए हम ऐलान करेंगे। और लगता है कि 2023-24 का जो साल है ये इलेक्टोरल ईयर है और इलेक्टोरल ईयर में जैसे गर्म लोहे के ऊपर चोट लगानी होती है, उस हमारा मानना है कि इन 2 सालों में हम पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को और सरकारों को मजबूर करेंगे कि किसानों के मुद्दे, जो किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर है, आप पूरे इन किसानों के मुद्दों को हल करें। बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ राकेश टिकैत है। सर क्या कहेंगे अभी एक बार फिर से आप लोगों को रुख करना पड़ा है, एक साथ आए हैं इलाहाबाद में? आए हैं, बहुत दिन बाद में दिल्ली आए हैं और फिर भी दिल्ली या दूसरी जगह प्रदेश के हिस्सों में, देश के हिस्सों में जा रहे हैं लोग और किसान संयुक्त मोर्चा अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगा। सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, यही बड़ी वजह है कि ये बड़ी वजह है। और भी बहुत मुद्दे हैं जो सरकार बातचीत से समाधान हो सकते हैं, लेकिन सरकार ना कोई बात करती है ना उसका समाधान कोई चाहता। तो क्या कहेंगे ये जो आज का आंदोलन है एक नई रूपरेखा के साथ फिर ऐसे ही बढ़ेगा अगर सरकार नहीं सुन रही है? आज नहीं बढ़ेगा लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो बढ़ेगा। अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है। रोहित गर्ग नाम के शख्स की मेल आईडी से एक ईमेल भेजा गया। इसके बाद सलमान खान की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। ईमेल में यह लिखा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड सलमान खान से बात करना चाहता है। मुंबई पुलिस ने रोहित गर्ग, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।